नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब में नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? विनोद कुमार शर्मा। ठीक है, विनोद कुमार शर्मा नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फकीर हसन की कौन सी नई किताब का विमोचन हुआ है? इसका उत्तर है 150। ठीक है, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में डायहान कैरोल का निधन हुआ है, वे कौन थीं? तो उसका उत्तर है, वे अभिनेत्री थीं, गायिका थीं और मॉडल थीं। अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? इसका उत्तर है, यालितजा अपेरिसियो। तीसरा अगला प्रश्न, इको फ्रेंडली पटाखे किसने लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर है इसका, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर है, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है, इंडिया और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान धर्म और दर्शन पर 3 दिवसीय 5वीं विश्व संसद का आरंभ कहाँ पर होगा? इसका उत्तर है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 5वीं विश्व संसद का विषय क्या है? जो थीम है, हमारी थीम क्या है? तो थीम है इसकी, रोल ऑफ साइंस रिलीजियन एंड फिलोसफी ऑफ फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान का ओपन खिताब जीता है? इसका उत्तर है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सा लोगो लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्रांस फैट फ्री लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसने संयुक्त रूप से को लैब का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन तीनों ने मिलकर के को लैब का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गुरुग्राम में हीरो महिला इंडिया ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रिया की क्रिस्टीन वोल्फ ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है, गूगल के साथ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मजबूत करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के बीजिंग में चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है, नाओमी ओसाका ने। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले ही वीडियो में आपसे मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें और पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।